इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, किस प्रकार से इस अर्थव्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है लोभ पर आधारित है, लोगों की जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी, ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी नहीं ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी। तो इसीलिए जो अर्थव्यवस्था आज लोगों को कैसे भी ज्यादा से ज्यादा धन संग्रह किया जाए इसी की तरकीब बताती है। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सभी लोगों को भरपूर उनके जीवन रक्षा के साधन, उनके जीवन रक्षा के जितनी भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए प्रकृति के पास प्रचुर संपदा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के तृष्णा को पूरा करने के लिए पूरे विश्व की संपदा भी नाकाफी है, यह कम पड़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए कि किसी को अभाव की अनुभूति नहीं हो, कोई व्यक्ति यह नहीं सोचे कि हमारे पास धन नहीं है तो हम अपने बच्चे को इंजीनियरिंग और डॉक्टरी नहीं पढ़ा सकते हैं, कोई व्यक्ति यह नहीं सोचे कि हमारे पास धन का अभाव है और हम अपने बच्चों या परिवार के किसी भी बीमार व्यक्ति का इलाज बढ़िया से बढ़िया नहीं करा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि साधन के अभाव में, व्यवस्था और अवसरों के अभाव में हमारा जीवन बेकार हो गया, नहीं तो हम भी कोई बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते थे, एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर सकते थे। ऐसा अनुभव किसी भी व्यक्ति को नहीं हो, इसके लिए प्रभु ने अर्थव्यवस्था का प्रारूप बनाया है। इस प्रारूप की मूल बात यह है कि सबके न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी होगी, जो प्रभु के अनुसार पांच मुख्य न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा। ये पांच चीजें हर व्यक्ति को गारंटी होनी चाहिए, और अन्य भी चीजें हैं जैसे पानी है, बिजली है, संचार के साधन हैं और रोड है, ये सब जितनी भी और आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन जो मूल आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई, दवाई, इसमें किसी को भी कोई शिकायत नहीं रहे कि हमें भरपूर साधन नहीं मिल रहा है। तो न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी, यह सबसे पहला उद्देश्य रहेगा प्रवृत्त अर्थव्यवस्था का। और जब सबके न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी हो जाती है, हर व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का अधिकार मिल जाता है, उसके बाद जो विशेष प्रतिभाशाली लोग हैं जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और भी संगीतकार हैं, कलाकार हैं, ऐसे जो विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं, उन लोगों को विशेष सुविधाएं, विशेष सहूलियतें दी जाएंगी। अर्थात यह अर्थव्यवस्था इस चीज पर काम करेगा कि न्यूनतम आवश्यकता की गारंटी सबको और विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्ति को उसकी प्रतिभा के अनुसार उसको साधन और सुविधा संपन्न किया जाएगा। इसके बाद जो एक फासला बनेगा न्यूनतम आवश्यकताओं और विशेष सुविधाओं के बीच में, इस फासले को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था काम करेगी। गांधी का अभिप्राय यह है कि जिस तरह आज की अर्थव्यवस्था है, एक व्यक्ति पैदल चलता है या साइकिल पर चलता है और दूसरे व्यक्ति के पास हवाई जहाज है, रॉकेट है, रॉकेट से कहीं जा सकता है, हवाई जहाज से अपने पास अपना हवाई जहाज है और किसी व्यक्ति के पास साइकिल भी नहीं है, ये कितना बड़ा फासला है। इस फासला को प्रौढ़ मिटा देगा न्यूनतम आवश्यकता और अधिकतम सुविधाओं के बीच में एक, मैं कहूँगा कि एक और दस का अभी प्रौढ़ ने फासला रखा है कि अगर 20,000 रुपया न्यूनतम तनख्वाह है,
कम आमदनी है तो 2 लाख रुपया अधिकतम होना चाहिए। आज हमारे देश में ऐसी लोग हैं जो रोज 1 करोड़ रुपया कमाते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो साल भर में 200 करोड़ रुपया कमाते हैं। तो आज जो अर्थव्यवस्था चल रही है इसके मूल स्वरूप को ही प्रवृत्त बदल देगा, और जो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक प्रगति होगी, जो उन्नति होगी, जैसे कहा जाता है जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है देश में, जो कि 8%, 7%, 6% ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो यह जो अर्थव्यवस्था की प्रगति या उन्नति है इसमें आप देखेंगे कि जो उद्योगपति हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, उन्हीं के मुनाफे में तरक्की होती है, लेकिन जो कमजोर तबका है, नीचे का तबका है, वह और भी कमजोर होता जाता है। तो प्रौद्योगिक व्यवस्था में जो आर्थिक प्रगति होगी उसमें जब भी कुछ प्रगति होगी तो उसका पहला लाभ उसको मिलेगा जो सबसे नीचे की तरफ है। जैसे अगर किसी को मोटरसाइकिल है और किसी को कार है, तो अगर कार वाले को हम हवाई जहाज दे देते हैं और मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल पर ही रहता है, तो यह एक कहिए कि असंतुलित अर्थव्यवस्था का रूप धारण करेगा। इसीलिए जब हमारे पास आर्थिक प्रगति के द्वारा हम देखते हैं कि हमारे पास पर्याप्त साधन प्रचुर संपन्नता आ गई है, तो उसका पहला लाभ ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की सब जगह उसको कार दे देंगे, और तब कार वाले को हम हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर देने की बात सोचेंगे। तो ये जो 3 मुख्य आधार है प्रौद्योगिक अर्थव्यवस्था के, न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी, उसके बाद जो विशेष प्रतिभा संपन्न लोग हैं उनको विशेष न्यूनतम आवश्यकताओं के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं, और तीसरा इन दोनों के बीच में फासले को काटने की अनवरत कोशिश, इन 3 मूल स्तंभों पर प्रौद्योगिक अर्थव्यवस्था टिकी होने के कारण यह गरीबी और बेरोजगारी को मिटा देगी। क्योंकि जब गरीबी और बेरोजगारी इसीलिए है क्योंकि साधनों का और जो संसाधन है उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है, वे असंतुलित रूप में उपयोग हो रहा है उत्पादन और वितरण में, कहीं कहीं की संपन्नता के पहाड़ खड़े हो रहे हैं, तो कहीं पर गरीबी की खाई बन रही है, ये चीज नहीं हो पाए। जब हम नीचे से विकास की बात सोचेंगे, जो कम से कम कमा रहा है उसकी तरक्की के बाद ही ऊपर वाले की तरक्की के लिए अर्थव्यवस्था साधन मुहैया करेगी, जब इस व्यवस्था को हम ला देते हैं तो असंतुलन समाप्त हो जाएगा, न बेरोजगारी रहेगी, न गरीबी रहेगी, न महंगाई रहेगी, न भुखमरी रहेगी, सबका नाश हो जाएगा। जब हर व्यक्ति को खरीदने की पर्याप्त ताकत है और हर व्यक्ति प्रतिभा का सम्मान हो रहा है, तो कभी भी समाज के अंदर कोई असंतोष नहीं रहेगा। नहीं तो आजकल तनख्वाह को लेकर, बोनस को लेकर, मुआवजे को लेकर, क्षतिपूर्ति तरह तरह के चीजों को लेकर निरंतर आंदोलन होते रहते हैं। किसान अपने फसल का मूल्य ठीक नहीं पाता है, और जो हमारे उद्योगपति हैं वो मालामाल हो रहे हैं। तो ये जो एक आर्थिक विषमता हमारे समाज में विद्यमान है, जब ये आर्थिक विषमता समाप्त हो जाएगी, आर्थिक न्याय सबको प्राप्त हो जाएगा, तो फिर गरीबी और बेरोजगारी कैसे रह सकती है? ये तभी तक है जब तक लोगों को अपने आर्थिक स्थिति की उन्नति नहीं हो पा रही है, और प्रौद्योगिक इस बात की गारंटी देता है कि इसको जितनी भी आवश्यकता है, आवश्यक आवश्यकताएँ हैं, कभी कोई अभाव नहीं होगा, सभी हर तरह से अपनी आवश्यकताओं और अवसरों का लाभ उठा पाएंगे। वैसी स्थिति में किसी भी तरह की सामाजिक विषमता या आर्थिक विषमता नहीं रहेगी, और हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर तरह की समस्याओं का हम निदान करेंगे। इसके लिए प्रौद्योगिकी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को पूरी तरह से आमूल परिवर्तन करने के लिए एकत्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की है, जिससे कि हर क्षेत्र का संतुलन